नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी भारत, ये है न्यूज टाइम। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एमपी में एंट्री, चंबल राजघाट पुल पर गुलाब की पंखुड़ियों से हुआ राहुल गांधी का स्वागत, भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में विशाल सभा का आयोजन। एमपी की स्कूली छात्रों को मोहन सरकार की बड़ी सौगात, मेधावी स्टूडेंट्स को देश के बड़े कोचिंग संस्थानों से दिलाएगी कोचिंग, कक्षा 9वीं से ही तैयारी कराना शुरू करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में सियासी उठक पटक पर मुरैना में बोले दिग्विजय सिंह, कहा कुछ षड्यंत्रकारी गिराना चाहते हैं सरकार, भाजपा पर लगाया लेन देन का आरोप। एमपी के नरसिंहगढ़ से भाजपा विधायक मोहन शर्मा की चेतावनी, कहा अगर जन समस्या का निवारण नहीं किया गया तो वह आत्मदाह कर लेंगे, बिजली कंपनी के अधिकारियों की वसूली से जुड़ा है मामला। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर एमपी हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, आयोग के रजिस्ट्रार से पूछा कितने मामलों में लिया संज्ञान। अक्षय यादव हत्याकांड में गवाह की मां पर गोली चलाने वाले 5 से 3 बदमाश गिरफ्तार, शूटर्स का बड़ा खुलासा, जेल में बंद दुश्मनों को और उलझाने के लिए रची थी साजिश। भोपाल में आग का गोला बनी सड़क पर चलती जीप, कांच तोड़कर पुलिसकर्मियों ने बचाई दंपत्ति की जान, आग लगते ही दोनों जीप के अंदर हो गए थे लॉक। ग्वालियर में रिटायर्ड कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर से 50,000 की ठगी, छतरपुर एसपी अमित सांघी का दोस्त और एयरफोर्स जवान बताकर राजू दास ने फेसबुक पर बिछाया था जाल। एमपी में एक्टिव हो रहा नया मानसूनी सिस्टम, मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में 21 जिलों में ओलावृष्टि और बारिश की जताई आशंका, अब तक करोड़ों की फसलें तबाह। सागर जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्र बंडा में बोरवेल से फूटी जलधारा, 500 फीट से ज्यादा बोरवेल की खुदाई के बाद पानी नहीं निकलने पर कर दिया था बंद, लोगों ने बताया चमत्कार। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें, अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।